गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिकर्सन। सो आज हम लोग रिकर्सन पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग फंक्शन पढ़े थे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकर्सन क्या है? इन रिकर्सन फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड एज रिकर्सन। इसमें रिकर्सन का तो स्वयं खुद जो फंक्शन है वो अपने आप को ही कॉल करता है। लेकिन पहले हम लोग क्या कहते पढ़े थे फंक्शन में, हम लोग देखे थे कि मेन किसी और फंक्शन कॉल करता था या कोई और फंक्शन किसी और फंक्शन को कॉल करता था। लेकिन इसमें रिकर्सन में वैसा नहीं, रिकर्सन में ऐसा होगा कि स्वयं से खुद को कॉल करेगा। सो फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड एज रिकर्सन। देखिए इसे खुद से खुद को कॉल करेगा, इस केस में क्या होगा, हमेशा तो अपने आप को कॉल करता ही रह जाएगा। क्योंकि एक बार कॉल किया तो अगली बार भी खुद से खुद को कॉल करता ही रह जाएगा। इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको एक कंडीशन देना होगा जहां पर वो स्टॉप हो जाए, कुछ कुछ एक तरह से स्टॉपिंग कंडीशन कुछ देना होगा रिकर्सन की तरह से, नहीं तो क्या होगा इनफिनाइट लूप में चला जाए। सो रिकर्सन शुड डेफिनेटली हैव टर्मिनेशन कंडीशन, अदरवाइज इट विल गो टू इनफाइनाइट लूप। तो रिकर्सन केस में आपको कुछ ऐसा कुछ टर्मिनेशन कंडीशन देना होगा जहां जाकर वो रुक जाए, नहीं अगर टर्मिनेशन कंडीशन नहीं होगा तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। क्योंकि रिकर्सन वो अपने आप को ही कॉल कर रहा है, तो वो अपने आप को कॉल करता रहेगा रह जाएगा जब तक उसको कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं मिले। सो इसलिए रिकर्सन में हमेशा कुछ कुछ कोई ना कोई या कुछ भी कुछ टर्मिनेटिंग कंडीशन होगा। नेक्स्ट क्या है, रिकर्सन का यूज क्या होता है? रिकर्सन यूज फॉर रिपीटिव कंप्यूटेशन, जहां बार बार कैलकुलेशन सेम कैलकुलेशन को बार बार रिपीट करना होता है, उस केस में हम रिकर्सन का यूज कर सकते हैं। सो रिकर्सन यूज फॉर रिपीटिव कंप्यूटेशन इन विच ईच एक्शन इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस रिजल्ट। जैसे प्रीवियस रिजल्ट पर ही पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो जाता है, जिसमें बार बार सेम तरह का कैलकुलेशन करना होता है, उस केस में हम लोग रिकर्सन का यूज कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल जैसे आप लोग तो फैक्टोरियल को सबको पता होगा, मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल पढ़े होंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। सपोज कि फैक्टोरियल आपको फैक्टोरियल फोर का वैल्यू कैलकुलेट करने को बोलेंगे, फैक्टोरियल फोर का वैल्यू क्या होता है आप लोग यही ना पढ़ते आए हैं, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, फैक्टोरियल फोर का वैल्यू यही होता है। ऐसा ही हम लोग मैथमेटिक्स में इस तरह से जानते हैं, लेकिन हमको कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे फैक्टोरियल का वैल्यू। फैक्टोरियल का वैल्यू फोर का क्या होगा, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन हो जाएगा। फाइव करेगा क्या, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन होगा। लेकिन यहाँ पर हमको प्रोग्राम के थ्रू उसका वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, उस केस में क्या होगा, एक फंक्शन डिफाइन किए, यहाँ फैक्ट शॉर्ट फॉर्म देखिए, फैक्ट फंक्शन डिफाइन किए, फैक्ट एन इज इक्वल टू एन इंटू फैक्ट एन माइनस वन, ये डिफाइन किया हमने फंक्शन। ये काम कैसे, इसमें क्या कर रहा है, सपोज कि आप लोग दिया गया है कि n इक्वल टू फोर के लिए फैक्टोरियल का वैल्यू निकालना है, तो उसका ये फंक्शन है फैक्ट n इक्वल टू n इंटू फैक्ट n माइनस वन। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, n का वैल्यू फोर के साथ एक कॉलिंग करेगा, फैक्ट फोर इक्वल टू क्या होगा, फोर इंटू फैक्ट थ्री। अभी इसको भूल जाएगा, ये डाटा जो लिखा होगा फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, थ्री इंटू टू इंटू वन एंड टू इंटू वन, इसको भी इग्नोर कीजिए, बाद में देखिएगा। पहला स्टेप में क्या होगा, ये फंक्शन है इस तरह से फैक्ट n इक्वल टू n इंटू फैक्ट n माइनस वन। तो इस केस में क्या, अगर n का वैल्यू हम लोग फोर ले लिए शुरू में, सपोज हम लोग फैक्टोरियल फोर कैलकुलेट कर रहे हैं, एन के वैल्यू फोर के साथ कॉल क्या होगा, फैक्ट फोर कॉल होगा, फैक्ट फोर कॉल करेगा तो क्या करेगा, फोर इंटू फैक्ट थ्री को कॉल करा, सेम फंक्शन को कॉल करा लेकिन डिफरेंट वैल्यू के साथ कॉल कर दे रहा है। क्या होगा, फैक्ट फोर इज इक्वल टू थ्री, जैसे एन यहाँ पर फोर रहते हैं, फैक्ट फोर इज इक्वल टू फोर इंटू फैक्ट फोर माइनस वन फैक्ट थ्री हो जा रहा है। इस तरह से क्या होगा, सेम अपने ही अपने आप को ही कॉल कर रहा है, सिर्फ क्या होगा वैल्यू यहाँ डिफर करके कॉल कर रहा है, फैक्ट फोर इज इक्वल टू फोर इंटू फैक्ट थ्री होगा। तो फिर फैक्ट थ्री क्या कॉल करेगा, फैक्ट थ्री वैल्यू को अपना ही फंक्शन कॉल करेगा, फैक्ट थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू फैक्ट टू, यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन है फंक्शन का। फिर नेक्स्ट क्या, फैक्ट टू ही आपको कॉल करेगा उस एन के टू वैल्यू के लिए, तो फैक्ट टू इज इक्वल टू टू इंटू फैक्ट वन, और फैक्ट वन पर हम लोग टर्मिनेटिंग कंडीशन दे देंगे, डिटेल जब प्रोग्राम देंगे तो कैसे देते हैं पता चल जाएगा। फैक्ट वन पर हमने टर्मिनेटिंग कंडीशन दे दी, फैक्ट वन का वैल्यू वन होता है, तो फैक्ट वन का वैल्यू वन होता है, तो जैसे फैक्ट वन का वैल्यू वन आएगा तो फैक्ट वन जो ये रिप्लेस क्या से होगा, वन से रिप्लेस हो जाएगा, फैक्ट वन का वैल्यू वन होता है, तो फैक्ट वन का वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा वन से, तो क्या होगा, फैक्ट टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू इंटू वन, रिवर्स डायरेक्शन में कैलकुलेशन हो रहा है। तो टू इंटू वन किसका वैल्यू मिला, फैक्ट टू को, तो फैक्ट टू का वैल्यू कहाँ, फैक्ट टू को कौन कॉल किया था, यहाँ से कॉल आया था, तो फैक्ट टू का क्या होगा, ये फैक्ट टू का वैल्यू टू इंटू वन यहाँ से रिप्लेस यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ का थ्री इंटू टू इंटू वन, थ्री इंटू टू इंटू वन क्या है, फैक्ट थ्री का वैल्यू, फैक्ट थ्री कहाँ से कॉल आया था, यहाँ से फैक्ट थ्री कॉल आया था, तो ये क्या हुआ, ये टोटल वैल्यू थ्री इंटू टू इंटू वन फैक्ट थ्री की जगह रिप्लेस होगा, तो फैक्ट थ्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन रिप्लेस कर देगा, इस तरह से क्या होगा,
ये क्या किसका वैल्यू है, फैक्ट फोर का वैल्यू। तो फैक्ट फोर का वैल्यू क्या हो गया, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। इस तरह से फैक्टोरियल का वैल्यू कैलकुलेट हुआ। कैसे कैलकुलेट हुआ, रिवर्स ऑर्डर में कैलकुलेशन तो रिवर्स में हुआ। काम तो शुरू वर्क तो हमें ऐसे शुरू किए थे, इस वर्क तरह से काम शुरू हुआ था, लेकिन कैलकुलेशन किस तरह से हुआ, फाइनली इस तरह से कैलकुलेट हुआ। ये जैसे हम लोग फैक्ट फोर का वैल्यू कैलकुलेट करना था, क्या हुआ फैक्ट फोर, क्या है फैक्ट फोर किस तरह से डिफाइंड है, फैक्ट फोर इक्वल टू फोर इंटू फैक्ट थ्री। फिर से ये फैक्ट थ्री को कॉल किया, फैक्ट थ्री को कॉल किया तो फैक्ट थ्री क्या होगा, फैक्ट थ्री इक्वल टू फैक्ट थ्री इक्वल टू क्या होगा, थ्री इंटू फैक्ट टू। फिर फैक्ट टू का वैल्यू कहां से कैलकुलेट होगा, फैक्ट टू इक्वल टू इंटू फैक्ट वन। और फैक्ट वन का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल वन का वैल्यू वन होता है, और इसको हम लोग टर्मिनेटिंग कंडीशन यहाँ पर ले रहे हैं। और ये कैसे टर्मिनेटिंग कंडीशन इंपोज करेंगे वो डिटेल जब प्रोग्राम बताएंगे उसमें समझ में आएगा, कैसे टर्मिनेटिंग कंडीशन इंड्यूस करते हैं प्रोग्राम में। फैक्ट वन का वैल्यू हमको वन मिला, फैक्ट वन का वैल्यू वन मिला तो क्या करें, फैक्ट वन की जगह वन से रिप्लेस किया और फैक्ट टू का वैल्यू क्या मिल गया, टू इंटू वन। और फिर फैक्ट टू कहाँ से कॉलिंग आया है, यहाँ से फैक्ट टू का वैल्यू टू इंटू वन यहाँ रिप्लेस होगा, और क्या होगा फैक्ट थ्री का वैल्यू थ्री इंटू टू इंटू वन हो जाएगा। अब ये फैक्टोरियल थ्री का वैल्यू हो गया, और फैक्टोरियल थ्री को कॉल कहाँ से आया था, यहाँ से। तो फैक्टोरियल थ्री का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसका, थ्री इंटू टू इंटू वन। तो इस तरह से फैक्ट फोर का वैल्यू फोर इंटू थ्री इंटू वन कैलकुलेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने पर कितना होगा, जो भी हो फोर थ्री जाए ट्वेल्व है, ट्वेल्व टू जाए ट्वेंटी फोर, कितना हो गया ट्वेंटी फोर हो गया, ट्वेंटी फोर फैक्ट फोर का वैल्यू नहीं। इसी तरह फैक्टोरियल फाइव का भी कैलकुलेट करते, एक स्टेप बढ़ जाएगा, फैक्ट फाइव यहाँ पर आ जाएगा, फैक्ट फाइव इजल टू फाइव इंटू फैक्ट फोर, इस तरह से कैलकुलेट होता चल जाएगा। इस तरह से आप फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तीन पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है, रिकर्शन में फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन, और रिकर्शन में आपको एक टर्मिनेटिंग कंडीशन हमेशा देना होगा, नहीं तो वो इनफाइनाइट लूप में आपको प्रोग्राम चला जाएगा, आपको कंटिन्यूस रन करता ही रह जाएगा। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए रिकर्शन, रिकर्शन कैसे काम करता है, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, रिकर्शन इंटरनली वर्क्स विद द हेल्प ऑफ स्टैक। स्टैक क्या है बताते, एक स्टैक एक्चुअली एक डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट दे देते हैं क्या है स्टैक। स्टैक इंटरनली वर्क्स विद द हेल्प ऑफ, सॉरी रिकर्शन इंटरनली वर्क्स विद द हेल्प ऑफ स्टैक। और फिर अगला लाइन क्या है, एवरी टाइम व्हेन द रिकर्सिव कॉल इज मेड द एक्टिवेशन रिकॉर्ड विल बी क्रिएटेड इन द स्टैक। और नेक्स्ट क्या, एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड को देख लीजिएगा, सारे डिस्कस भी कर देंगे। द स्टैक फ्रेम एलोकेटेड फॉर द रिकर्सिव फंक्शन कॉल इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन रिकॉर्ड। तो ध्यान दीजिए पहले स्टैक क्या है, ध्यान स्टैक एक मेमोरी एलोकेट होता है, किस तरह का है मेमोरी, इस तरह से एक स्टैक मेमोरी एलोकेट होगा, इसमें काम कैसे करेगा, रिकर्सन इंटरनली वर्क्स विद द हेल्प ऑफ स्टैक। स्टैक इस तरह का डेटा है जिसमें क्या फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है, जैसे इसमें सपोज कि आपको डेटा इंसर्ट करना है, ये डेटा का ऑर्डर दिया हुआ है, सपोज कि हम ले लेते हैं एक मिनट फोर थ्री टू और वन, इसको इंसर्ट करना है। स्टैक क्या है, इस तरह का डाटा जिसमें फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है, जैसे जो पहले इन करे वो बाद में निकलेगा। फर्स्ट इन समझिए, इस तरह से पहला फोर इन हुआ, यहाँ पर फोर इसमें गया, इसका जरूरत पड़ेगा रिकर्शन, इसलिए इसको स्टैक का कॉन्सेप्ट डिस्कस करें। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, थ्री है, थ्री यहाँ आया, अगला क्या है टू यहाँ पर आएगा, और नेक्स्ट क्या है वन यहाँ पर आएगा। इस तरह से क्या है, ये फर्स्ट इन हुआ, पहला इन क्या हुआ फोर इन हुआ, अगला बार थ्री इन हुआ, अगला बार टू इन हुआ, अगला बार लास्ट में वन हुआ। इसमें जो फर्स्ट इन हुआ लास्ट आउट हुआ, मतलब या लास्ट इन जो होगा फर्स्ट आउट हुआ। अब इसमें हमको देखिए स्टैक में जो भी इन एलिमेंट इंसर्ट करते हैं उसको पुश करते हैं, मतलब स्टैक में एलिमेंट को डालते हैं, मतलब पुश करें, या पहले फोर को पुश किए, फिर थ्री को पुश किए, फिर टू को पुश किए, फिर वन को पुश किए। अब हमको निकालना होगा, मतलब इसको पॉप करते हैं, एलिमेंट को निकालने को पॉप करते हैं। तो पहले कौन सा निकलेगा, पहले वन इसमें से बाहर आउट होगा, इसमें से निकालना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें से हम लोग को अगर एलिमेंट को पॉपअप करना होगा तो पहले कौन सा वन पॉपअप होगा, पहले कौन सा निकलेगा वन निकलेगा, क्योंकि वन टॉप पर है। वन के बाद कौन सा निकलेगा, टू निकलेगा, उसके बाद थ्री निकलेगा और फोर निकलेगा। और इंसर्ट कैसे हुआ था, पहले फर्स्ट ये इंसर्ट हुआ था, उसके बाद ये इंसर्ट हुआ था, इसके बाद ये इंसर्ट हुआ, मतलब जिस ऑर्डर में इंसर्ट होता है उसके रिवर्स ऑर्डर में पॉप करते हैं। इसमें एलिमेंट को इंसर्ट करने को पुश बोलते हैं और एलिमेंट को बाहर निकालने को पॉप बोलते हैं स्टैक में। ये स्टैक का कॉन्सेप्ट है, स्टैक कॉन्सेप्ट इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि रिकर्सन जो इंटरनली वर्क, देखिए यहाँ पॉइंट दे, रिकर्सन इंटरनली वर्क्स विद द हेल्प ऑफ स्टैक, स्टैक के थ्रू एक काम करता है रिकर्सन।
रिकर्सन स्टैक के थ्रू काम करता है, ध्यान दें। फिर क्या है, एवरी टाइम वेन द रिकर्सिव कॉल इज मेड द एक्टिवेशन रिकॉर्ड विल बी क्रिएटेड इन द स्टैक। जब भी फंक्शन रिकर्सिव कॉल को कॉल करेंगे एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या है, ध्यान दीजिए, द स्टैक फ्रेम एलोकेटेड फॉर द रिकर्सिव फंक्शन कॉल इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन। इसमें देखिए एक एक फ्रेम है, ये पहला फ्रेम, ये दूसरा फ्रेम है, तीसरा फ्रेम है, चौथा, उसी बोलते हैं द स्टैक फ्रेम एलोकेटेड फॉर द रिकर्सिव फंक्शन कॉल इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन। आपका ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट हुआ पहला कॉल में, दूसरा कॉल में ये रिकॉर्ड क्रिएट होगा, ये तीसरा में ये होगा, चौथा में, इस तरह से एक्टिवेशन रिकॉर्ड हुआ। और फिर क्या है, क्रिएशन डिलीशन और एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज बेस्ड ऑन एक्चुअल फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस पर डिपेंड करेगा। अब ध्यान दीजिए स्टैक कैसे, ये तो अलग बात है, हमने यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे कैसे कैसे काम किया बता दिया, लेकिन स्टैक के थ्रू समझाते हैं इंटरनली कैसे काम करें। आपको फैक्टोरियल फोर का वैल्यू कैलकुलेट करना था, सपोज के स्टैक में क्लियर आप बताते हैं स्टैक फ्रेम ऐसा है, इस तरह से आपका ये स्टैक फ्रेम है। ध्यान इसमें हम लोग क्या क्या फोर कहें, इसी को काम बता रहे हैं कैसे करें, फैक्टोरियल फोर का वैल्यू कैलकुलेट करना, मतलब एफ या शॉर्ट फॉर्म हम लिख रहे हैं एफ फोर लिख रहे हैं, एफ फोर का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल फोर का वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा एन का वैल्यू क्या है, फोर, एन इक्वल टू फोर है, यहाँ पर एन का वैल्यू फोर लीजिए, और फैक्ट फोर इक्वल टू क्या है, फैक्ट फोर, और थोड़ा इसको बड़ा डिजाइन कर, इसमें लिखने में दिक्कत हो रहा है, ब्लैंक स्पेस पर ध्यान, यहाँ पर यहाँ ज्यादा ब्लैंक स्पेस यहाँ बताते हैं। एक स्टैक फ्रेम डिजाइन कर लेते हैं, एक स्टैक फ्रेम इस तरह से डिजाइन कर लेते हैं, ये स्टैक आपका हो गया। और ध्यान देकर देखिएगा, थोड़ा ये नहीं समझिएगा फिर दिक्कत होगा, सारा रिकर्सन इसी तरह से स्टैक के थ्रू ही काम करेगा। स्टैक फ्रेम के लिए हम आपको सपोज किया फैक्टोरियल फोर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल फोर या शॉर्ट में एफ फोर लिख दिए, फैक्टोर को एफ फोर का वैल्यू कैलकुलेट किया ना। तो शुरू में यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है, आपका एन इक्वल टू फोर ही है ना, एन इक्वल टू फोर ले रहे हैं। अब ध्यान दीजिए वर्क कैसे करेगा, ये पहला स्टैक फ्रेम यहाँ पर ले लेते हैं, एन इक्वल टू आपका फोर है, यहाँ ध्यान दीजिए एन इक्वल टू ये आपका फोर हुआ, और फंक्शन क्या होगा, फंक्शन डिफाइन क्या किया है, एफ एफ फोर इक्वल टू, मतलब एफ एन इक्वल टू एफ एन माइनस एन इंटू एफ एन माइनस वन, मतलब यहाँ पर क्या होगा फोर इंटू, बाहर चला जा रहा है एफ थ्री, इस तरह से यही एफ थ्री हुआ, अंदर लिखना एफ थ्री के लिए क्या होता, अगला फ्रेम में इस स्टैक फ्रेम में जाएगा, एफ थ्री यहाँ से कैलकुलेट होगा, जैसे एफ थ्री मिलेगा तो ये कहाँ जाएगा, कंट्रोल यहाँ जाएगा, इस तरह से काम करेगा। यहाँ से क्या हुआ एफ थ्री इक्वल टू, ध्यान देकर देखिएगा, थोड़ा नहीं ध्यान दीजिए तो बहुत दिक्कत है, एफ थ्री इक्वल टू क्या होगा, थ्री इंटू एफ टू हो जाएगा, यही होगा ना, ये वैल्यू क्या होगा टू हो जाएगा, एफ टू हो जाएगा। अब F2 कैलकुलेट करना था, ये आगे फिर कॉल करेगा, अगला एक फ्रेम में जाएगा, ये स्टैक फ्रेम यहाँ ले लीजिए, यहाँ पर क्या होगा F2 इज इक्वल टू, ये आपका F2 यहाँ से कैलकुलेट होगा, F2 क्या होगा, F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एफ वन हो जाएगा, यहाँ से इस तरह। अब देखिए F1 आएगा, तो F1 के लिए क्या होगा, ये आगे जाएगा, अगला स्टैक फ्रेम में जाएगा, और जैसे ही आपका एफ वन रहेगा तो आपको क्या एफ वन का टर्मिनेटिंग कंडीशन दिए हुए, आपको एफ वन का वैल्यू यहाँ से वन मिलेगा, तो वन मिलेगा तो वापस क्या होगा, वन यहाँ से रिटर्न बैक आएगा, वन कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर आएगा एफ वन के वैल्यू, तो इस तरह से क्या होगा टू इंटू वन यहाँ से मिलेगा, एफ टू कहाँ रिटर्न बैक आएगा, क्योंकि एफ टू का कॉल कहाँ से आया था, यहाँ से कॉल आता है, एफ टू वापस यहाँ से फिर रिटर्न बैक आता क्या हुआ, यहाँ पर थ्री इंटू टू इंटू वन आ जाएगा, ये किसका वैल्यू है एफ थ्री का वैल्यू है, एफ थ्री को कॉल कहाँ से आएगा, यहाँ से, यहाँ पर क्या होगा एफ फोर इक्वल टू क्या होगा फोर फोर इंटू एफ थ्री का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा थ्री इंटू टू इंटू और वन हो जाएगा, मतलब ये इस तरह से आपको फोर थ्री टू। देखिए कॉलिंग सिक्वेंस तो ये था फंक्शन का, कॉलिंग सिक्वेंस इस तरह से कॉलिंग सिक्वेंस था, ये रिजल्ट आया क्या रिटर्न
कैलकुलेशन रिवर्स डायरेक्शन में होगा। सो देखिए यहाँ ध्यान पाने, स्टैक फ्रेम एलोकेटेड फॉर रिकर्सिव फंक्शन कॉल इज कॉल्ड एक्टिवेशन। हर एक रिकर्सिव कॉल के लिए एक स्टैक फ्रेम एलोकेट हो रहा है। पहले बार क्या F4 के लिए स्टैक फ्रेम एलोकेट हुआ, F3 के लिए एलोकेट हुआ, F2 के लिए ये हुआ, F1 के लिए हुआ। जैसे जैसे देखिए यहाँ F1 का वैल्यू 1 मिला तो ये यहाँ से रिटर्न बैक वापस हुआ। रिटर्न कहाँ जाएगा, यहाँ से F1 को खोला तो यहाँ जैसे ये यहाँ वापस रिटर्न जाएगा तो यहाँ से वैल्यू 1 रिटर्न आएगा और ये स्टैक फ्रेम आपका डिलीट हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं द क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ एक्टिवेशन अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन एक्चुअल फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस। इसको सीक्वेंस कॉल आया था फिर वापस इस सीक्वेंस में वापस रिटर्न होगा। जैसे एफ1 का वैल्यू रिटर्न होगा ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अगली बार क्या होगा, एफ1 का वैल्यू यहाँ से 1 आ चुका है तो एफ2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 इनटू 1। जैसे ये वैल्यू यहाँ से वापस रिटर्न करेगा 2 इनटू 1 रिटर्न करेगा ये तो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। यहाँ से क्या टोटल एफ3 का वैल्यू रिटर्न करेगा, किसको रिटर्न करेगा यहाँ पर एफ4 को, तो एफ4 का वैल्यू चलेगा और ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। और एफ4 का क्या होगा, एफ4 का वैल्यू 4 इनटू 3 इनटू 2 कहाँ वापस किसको मिला, वो F4 को ये कैलकुलेट हुआ और ये भी स्टैक फ्रेम डिलीट हुआ। इस तरह से आपका स्टैक फ्रेम डिलीट होता चला जाएगा। तो इसलिए ध्यान देना स्टैक फ्रेम एलोकेटेड फॉर रिकर्सिव फंक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ, ये हर एक फंक्शन कॉल के लिए F4 के लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड हुआ, F3 के लिए ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड हुआ, F2 के लिए ये हुआ और फिर रिवर्स डायरेक्शन में जैसे वैल्यू रिटर्न करेगा एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट होता चला जाएगा। यहाँ से रिटर्न किया इसको डिलीट, यहाँ से रिटर्न किया ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट, यहाँ से रिटर्न किया ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट। इसलिए स्टैक का कॉन्सेप्ट ध्यान देना होगा, इसमें हमेशा ये क्या होता है रिकर्सन इंटरनली वर्क्स विद द हेल्प ऑफ स्टैक, आपको ध्यान में रखा। ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो किसी कितना भी टिपिकल रिकर्सन का प्रोग्राम रहेगा उसको आप आराम से कैलकुलेट करके रिजल्ट दे सकते हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो वहाँ आपको स्टैक फ्रेम के अनुसार काम करना है। आप यहाँ देखिए ये आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का सी प्रोग्राम है, इसमें देखिए क्या किया है। जनरल क्या है ये आप हेडर फाइल इंक्लूड किया, यहाँ पर देखिए प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया इंट फैक्ट इंट एन, उसके बाद आपका मेन फंक्शन है वॉइड मेन, इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एन, उसके बाद पूछ रहे हैं आपका कितना प्रिंट एंटर 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 द नंबर टू फाइंड किसका फैक्टोरियल निकालना चाहिए इनपुट करने एन का वैल्यू इनपुट। सपोज कि हमने इस बार डिस्कशन का पर्पज एन इक्वल टू थ्री लेते हैं, आसानी रहेगा समझाना में, छोटा एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं। एन इक्वल टू थ्री इनपुट किए, उस तरह से क्या होगा एन का वैल्यू थ्री होगा, उसका क्या प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी एन फैक्ट एन, जबकि यहाँ से फंक्शन कॉल आ रहा है फैक्ट एन कॉल आ रहा है और डिफाइंड कहाँ पर है, यहाँ पर डिफाइंड है यहाँ एन इक्वल टू थ्री के साथ कॉल किया है तो यहाँ रिसीव क्या होगा एन इक्वल टू थ्री। और देखिए फैक्टोरियल फंक्शन यहाँ डिफाइंड किया, आप तो ऑलरेडी जानते हैं कि फैक्टोरियल एन का वैल्यू भी वन होता है। तो जैसे ध्यान दीजिए जैसे आपको एन इक्वल टू जीरो मिलेगा, इफ एन इक्वल टू जीरो रिटर्न वन एल्स रिटर्न एन इंटू फैक्ट एन माइनस वन। यहाँ भी देखिए स्टैक के अनुसार काम करते हैं, एन इक्वल इस बार थ्री के लिए लिया, पूरा स्टैक फ्रेम थ्री से एलोकेट करके आपको समझाते हैं प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, इससे आपको कभी भी इसका रिजल्ट कैलकुलेट करने में गलती नहीं होगा। ये आपका स्टैक फ्रेम हो गया, पहला बार कॉल कहाँ से आया एफ, यहाँ से कॉल आया है एफ फैक्ट एन, वैल्यू कितना है थ्री के साथ कॉल आया है, यहाँ से कॉलिंग आया है ना, मतलब फैक्ट थ्री को कॉल आया तो फैक्ट थ्री कॉल आया और ये रिसीव किया एन इक्वल थ्री रिसीव किया। अब देखिए एन का वैल्यू यहाँ पर आप क्या है एन इक्वल टू आपका थ्री है, ध्यान देकर समझिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट होगा। ये एन इक्वल टू थ्री है शुरू में, एन इक्वल थ्री से कॉल आया, उसके बाद कंडीशन चेक हो रहा है एन इक्वल टू जीरो, ऐसा तो कुछ नहीं है एन इक्वल जीरो तो रिटर्न वन होता, जीरो नहीं है तो एल्स पार्ट में जाएगा, एल्स पार्ट में क्या रिटर्न करने को है रिटर्न एन इंटू फैक्ट एन माइनस वन, मतलब यहाँ से आपको रिटर्न क्या करना है एन इंटू एफ एन, यही ना कॉल आया था इसको रिटर्न क्या यहाँ से क्या करना है एन इंटू फैक्ट एन माइनस वन, एन इंटू एफ माइनस वन यही रिटर्न करना है ना एन माइनस वन। तो इस क्या हुआ एक तरह से क्या हुआ थ्री इंटू एफ टू है ना F2 है, F2 जैसे हुआ तो F2 के लिए अगला स्टैक फ्रेम में चला जाएगा। F2 कहाँ जाएगा इसके लिए यहाँ जाएगा, यहाँ से क्या हुआ क्योंकि यहाँ पर रिटर्न क्या हुआ n इंटू एन माइनस वन, तो ये F2 के लिए होगा क्या, F2 के लिए क्या होगा ये यहाँ पर ध्यान दीजिए F2 के लिए क्या हो जाएगा, सेम चीज रिपीट करें F2 इक्वल टू अगली बार क्या हुआ n इक्वल टू टू है सेम, और खुद से ये यहाँ से फैक्ट n माइनस वन मीन्स
यही कॉल कर रहा है, अब यहाँ से कॉलिंग नहीं आया, पहली बार कॉल तो यहाँ से आया फैक्ट थ्री के साथ, यहाँ से कॉल आया एन इज जीरो एन इंटू फैक्ट एन माइनस वन था थ्री इंटू फैक्ट टू, तो फैक्ट टू को कॉल आया था कहाँ से, ये कॉल जैसे फैक्ट टू को कॉल आया था कहाँ पर से डिफाइन है, यहाँ था फिर से वापस यहाँ पर कॉल गया। फैक्ट टू इजक्वल टू क्या होगा, फैक्ट टू इजक्वल टू ध्यान दीजिए चेक करेंगे, एन इजक्वल टू जीरो कंडीशन टू नहीं है, एस पार्ट में जाएगा रिटर्न क्या करे एन इंटू फैक्ट एन माइनस वन मतलब टू इंटू फैक्ट वन रिटर्न करना है, टू इंटू फैक्टोरियल वन रिटर्न करना है यहाँ पर। अब देखिए इसके क्या गया, फिर से ये फैक्टोरियल वन को कॉल करा है, टू माइनस वन फैक्टोरियल वन को खुद से फिर से कॉल करा है, फिर से यहाँ जाएगा फिर से एफ वन को कॉल किया था, एफ वन को कॉल किया था, अगला स्टैक फ्रेम में जाएंगे एफ वन को कॉल किया था एन इक्वल टू जीरो है नहीं, इफ कंडीशन फॉल्स हुआ था एल्स पार्ट में जाएगा, एल्स पार्ट में क्या है वन इंटू फैक्ट एन माइनस वन मीन्स वन इंटू फैक्ट जीरो, वन इंटू फैक्ट जीरो को कॉल करा है मतलब यहाँ से एफ वन कॉल किया था, एफ वन इक्वल टू क्या है यहाँ पर एफ वन इक्वल टू वन इंटू एफ जीरो, एफ जीरो हो गया यहाँ पर देखिए जीरो पर टर्मिनेट कंडीशन ले रहे हैं। देखिए अब एफ जीरो को कॉल करा है, एफ जीरो को कॉल किया, एफ जीरो का कॉल कहाँ से आ रहा है यहाँ से कॉल आ रहा है, एफ जीरो यहाँ से कॉल आ रहा है एन इक्वल टू जीरो, एन इक्वल जीरो है तो एफ चेक करेगा इफ एन इक्वल टू जीरो कंडीशन ट्रू मिला, जैसे ही कंडीशन ट्रू मिला तो एक क्या कर रहा है यहाँ पर ध्यान इस स्टैक फ्रेम क्या है एफ इक्वल टू ध्यान दीजिएगा एफ इक्वल टू जीरो है के लिए क्या आ रहा है एन इक्वल टू जीरो होता है रिटर्न क्या कर देना है वन रिटर्न कर देना, इस वैल्यू को रिटर्न कर देना, यहाँ से आपको रिटर्न बैक आएगा, रिटर्न क्या वैल्यू वन आ रहा है, वन रिटर्न आ रहा है एफ वन को एफ जीरो को कॉल कौन किया था एफ वन कॉल किया था, यहाँ से रिटर्न वापस आएगा तो क्या होगा रिटर्न करेगा और ये स्टैक फ्रेम डिलीट हो जाएगा, वन कहाँ पर रिसीव है एफ जीरो का, तो यहाँ एफ वन इक्वल टू वन इंटू वन, अब ये वापस क्या रिटर्न कर देगा क्योंकि रिटर्न देखिए हर बार रिटर्न नहीं था, रिटर्न एन इंटू फैक्ट एन माइनस वन था, इस समय क्या था वन इंटू एफ जीरो, वन इंटू वन रिटर्न किया तो वन इंटू वन क्या हुआ ये भी वन रिटर्न था, वन इंटू वन वन होगा तो वन रिटर्न किया और ये स्टैक फ्रेम डिलीट हो गया, और ये वन इसको कहाँ से कॉल आया था एफ वन का वैल्यू है, एफ वन को कॉल कहाँ से है एफ वन का वैल्यू है तो एक कॉल यहाँ से था ये वैल्यू वापस यहाँ आएगा, एफ टू की क्या देखिए हर बार देखिए एन इंटू एन माइनस वन था एफ टू इक्वल टू टू इंटू एफ वन, एफ वन का वैल्यू क्या होगा वन है तो टू इंटू वन, ये क्या रिटर्न करेगा रिटर्न टू इंटू एफ वन रिटर्न करेगा तो टू इंटू एफ वन क्या है टू इंटू वन टू रिटर्न करेगा, टू यहाँ रिटर्न किया और ये भी स्टैक फ्रेम डिलीट हो जाएगा। अगली बार देखिए टू किसका वैल्यू है एफ टू का वैल्यू, तो एफ टू का वैल्यू यहाँ से कॉल आया था ना एफ टू का कॉल वैल्यू यहाँ से, तो ये वैल्यू यहाँ जाएगा थ्री इंटू टू हो जाएगा, थ्री इंटू टू होगा और ये थ्री इंटू टू का कॉल कहाँ से आया था मतलब एफ थ्री का कॉलिंग कहाँ से आया था, एफ थ्री का कॉलिंग फाइनल रिटर्न क्या होगा थ्री इंटू एफ टू, ये कॉलिंग कहाँ से आया था मतलब एफ थ्री का कॉलिंग कहाँ से, एफ थ्री का वैल्यू क्या हो जाएगा टू इंटू थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा, तो ये सिक्स रिटर्न करेगा और एफ ये स्टैक फ्रेम डिलीट होगा, और ये एफ थ्री कहाँ से कॉल आया था एफ थ्री का कॉल तो यहाँ से आया था ना, अब यहाँ से बात एफ थ्री का कॉल यहाँ से आया था तो एफ थ्री का वैल्यू क्या हुआ वापस यहाँ पर रिटर्न आएगा और ये पूरा स्टैक मतलब एफ फैक्टोरियल थ्री का वैल्यू क्या हो गया सिक्स, तो ये आउटपुट क्या रहेगा फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी मतलब फैक्टोरियल ऑफ थ्री इज आउटपुट क्या हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ थ्री इज परसेंटेज फैक्ट एन मतलब फैक्ट थ्री का वैल्यू फैक्टोरियल ऑफ थ्री इज सिक्स, इस तरह से आपको मतलब जहां से कॉल आया था वहां पर यहाँ से फैक्टोरियल थ्री का कॉल आया था तो फैक्टोरियल थ्री यहाँ रिसीव किया था क्या हुआ था यहाँ थ्री इंटू फैक्टोरियल टू हुआ था, अगले बार क्या टू इंटू फैक्टोरियल वन हुआ था, वन इंटू फैक्टोरियल जीरो था फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू वन रिटर्न कर दिया था फिर टू इंटू जीरो वन से वन इंटू वन वन रिटर्न, इस तरह जैसे जिस ऑर्डर में आपका क्या स्टैक फ्रेम तो इस तरह से फंक्शन कॉलिंग हुआ था और रिटर्न इस तरह से वैल्यू आपका रिटर्न करते गया था और हर बार स्टैक फ्रेम जैसे काम खत्म हुआ स्टैक फ्रेम को डिलीट करते गया था, इसलिए ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखिएगा फंक्शन स्टैक फ्रेम के बारे में क्या था रिकर्सन इंटरनली वर्क्स विद द हेल्प ऑफ स्टैक और एवरी टाइम व्हेन द रिकर्सिव कॉल इज मेड एक्टिवेशन रिकॉर्ड विल बी क्रिएटेड इन द स्टैक, जब भी फंक्शन कॉल करेंगे एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होगा और एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या है द स्टैक फ्रेम एलोकेटेड फॉर द रिकर्सिव फंक्शन कॉल इज कॉल्ड एक्टिवेशन रिकॉर्ड, देखिए हर एक फंक्शन कॉल के लिए एक स्टैक फ्रेम जनरेट होता है उसी को एक्टिवेशन रिकॉर्ड कहते हैं, और देखिए द क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज बेस्ड ऑन एक्चुअल फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस, कॉलिंग फंक्शन सीक्वेंस ऐसे इस ऑर्डर में क्रिएट हुआ और इस ऑर्डर में डिलीट होना रिवर्स ऑर्डर में डिलीट होना शुरू हो जाएगा, इस तरह से एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट हुआ तो जैसे काम खत्म हुआ उस तरह से
आपका ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट भी होता जाएगा। इस तरह हमेशा आपको देखिए, जब भी रिकर्सन के साथ काम कीजिए आपको हमेशा मेमोरी में आपको ध्यान रखना होगा स्टैक फ्रेम या स्टैक कैसे काम करता है, उसका क्रिएशन कैसे होता है, कैसे डिलीशन होता है। इसलिए हमेशा रिकर्सिव फंक्शन के साथ हमेशा आपको स्टैक का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, ये तो रिकर्सन का प्रोग्राम डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिबोनाची सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, फिबोनाची सीरीज का भी वो रिकर्सन का ही प्रोग्राम है, आपको ये सारे पढ़ना है, फैक्टोरियल पढ़ना है, फिबोनाची सीरीज पढ़ना है, एकरमैन सॉल्यूशन पढ़ना है, इससे कुछ और कुछ बहुत सारे प्रोग्राम रिकर्सन में पढ़ना है वो। इसलिए नेक्स्ट क्लास में आपको फिबोनाची सीरीज डिस्कशन होगा, उसका प्रोग्राम डिस्कशन होगा, कैसे स्टैक फ्रेम वो कैसे काम होता है, कैसे फंक्शन कॉलिंग होता है, कैसे एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होगा, कैसे डिलीट होगा, ये सब चीज़ फिबोनाची सीरीज का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।